मेरी पढ़ाई का करीब 90 परसेंट पार्ट गुरुकुल में हुआ जहाँ पर पढ़ाई का मेन फोकस संस्कृत होता था यूपीएससी किस चिड़िया का नाम होता नहीं जानता नहीं था कि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के पांच इंटरव्यू फेस किए कुल मिलाकर मेरे पांचों में सिलेक्शन हुआ मेरी बहुत बड़ी बात है बहुत लोग कहते हैं वाई यू पी एस मन ली वाई सिविल सर्विस आखिर यूपीएससी वगैरह तैयारी कब तक करें कब तक अटेम्प देते रहे आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है आप यूपीएससी को ईजिली क्रैक कर सकते हैं कैसे वे सारा धन्यवाद आप सबका आप सबने मुझे मौका दिया अपने बारे में बताने का अपनी कहानी आपके साथ शेयर करने का मैं बताना चाहूँगा मैं डी के ठाकुर आई पी बैच यूपी का्डर आज के डेट में मैं पुलिस कमिश्नर लखनऊ हूँ और नवंबर 2020 से हूँ करीब 16 महीने यहाँ लखनऊ में हो रहे हैं और लखनऊ में पहले भी एस एस के ग्रूप में रह चुका हूँ करीब इतना ही दिन जो ज़्यादा चीज़ें आप शेयर करना चाहता हूँ अपने बारे में अपनी यूपीएससी की तैयारी के बारे में अपनी लाइफ के बारे में सबसे बड़ी बात होती है जब हम लोग भी तैयारी करते थे यूपीएससी की जब अपने दोस्तों के बीच अपने सीनियर्स के साथ जूनियर्स के साथ या आज भी जो भी लोग मेरे पास आते हैं डिस्कस करते हैं एक हम लोग के मन में धारणा बनी हुई है यूपीएससी उन्हीं लोगों के लिए जो इलीट क्लास के लोग हैं यूपीएससी उन्हीं लोगों के लिए है जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं यूपीएससी उन्हीं के लिए है जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सारे मिथ हैं ऐसी कोई बात नहीं है आप कहीं से किसी बैकग्राउंड से हो किसी भी स्टेट के बोर्ड से हो किसी भी स्कूल से हो किसी भी कॉलेज से हो किसी भी सब्जेक्ट से हो आप यूपीएससी को इजीली क्रैक कर सकते हैं कैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी पढ़ाई का करीब नाइन्टी पार्ट गुरुकुल में हुआ उस गुरुकुल में जहां पर पढ़ाई का मेन फोकस संस्कृत होता था वेद होता था कर्मकांड होता था पूजा होता था आज भी मैं अपनी लाइफ के उस पार्ट को देखता हूँ और जहाँ हूँ उसको देखता हूँ तो मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैंने अपनी लाइफ के दोनों पार्ट खुद जिए हैं यदि वो सही था तो ये भ्रम है और यदि ये सत्य है तो वो कहीं ना कहीं भ्रम था कैसे मैंने अपने गांव से गांव के स्कूल से गांव की पाठशाला से क्लास वन से क्लास थ्री तक की पढ़ाई पूरी की तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया क्लास थ्री पूरी करते ही मैं अपने अकेला भाई था मेरे साथ दो बहनें थी भनी थी दोनों तो मेरे चाचा जी जो बिहार में आई थे और फाइनली डेवलपमेंट कमिश्नर पोस्ट से रिटायर हुए वो स्वयं अपने जमाने में मैथ के बहुत बड़े स्टूडेंट थे और बिहार में आई रहे लेकिन उनको लाइफ में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि वो स्वयं अध्यात्म के प्रति संस्कृति के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई तो उनके मन में ये बात आई कि हमारे जो बच्चे हैं उनके चार लड़के थे हमारे पिताजी चार भाई थे चारों भाई कुल मिलाकर के हम लोग तो ग्यारह लड़के थे और मैं सबसे छोटा था कि हमारे ग्यारह बच्चों में किसी ने भी संस्कृत पढ़ाई नहीं की तो उन्होंने कहा ध्रुव पढ़ाई करेगा मेरी मां ने इसको ऑब्जेक्शन किया ऑब्जेक्ट किया मेरी माँ ने कहा कि आपका यह निर्णय गलत है आप मैथ पढ़ के इंग्लिश पढ़ करके आप आइए बने आपने अपने चारों बच्चों को वही इंग्लिश पढ़ाई और जब मेरे बच्चे की पढ़ाई के एक समय आया तो आप संस्कृत पढ़ने के लिए भेज रहे हैं आपको संस्कृत पढ़ने के लिए बहुत रुचि थी तो अपने बच्चों को पढ़ा लिया होता आपको ये था मन में कि धर्म का ज्ञान का विज्ञान का संरक्षण हो तो और लोगों को देख सकते थे बट सी वाज ओवर रोल्ड एंड आई वॉज सेंट टू गुरुकुल क्लास थ्री पढ़ने के बाद मैं चला गया और लेट मी टेल यू गुरुकुल में मैंने करीब आठ साल पढ़ाई की क्लास थ्री के बाद दो साल का गैप आया जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था और उस पूरे टाइम में मैंने जो आज का ट्वेल टेंथ होता है ट्वेल्थ होता है ग्रेजुएशन सब पढ़ाई पूरी कर ली मैंने वहाँ पर और उस दौरान मैंने कभी यूपीएससी सोचना बहुत दूर की बात है यू किस चिड़िया का नाम होता नहीं जानता नहीं था जब वहाँ से ग्रेजुएशन करके आया गुरुकुल से तो फिर मैं दरभंगा में संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की वहाँ उसकी डिग्री दी जाती थी आचार्य जो एम ए के इक्विवेलेंट है उस समय मेरे फैमिली में एक फंक्शन में हुआ और माताजी को माताजी को मेरी पढ़ाई पर मेरे टैलेंट पर एजुकेशन पर गर्व था तो अभिमान होता था तो उन्होंने किसी फैमिली गैदरिंग बताई कि मेरा बेटा पढ़ाई बहुत अच्छा है तो फैमिली किसी पर्सन ने कहा कि आपका बेटा पढ़ाई बहुत अच्छा है तो क्या करना चाहता है आगे तो माता ने कहा को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उनको लोगों ने कहा कि आपका पेगा पढ़ाई बहुत अच्छा है कहिए कि यूपीएससी वगैरह कुछ करे सिक्सटेंट परसेंट पर क्या करेगा तो माता जी ने उसी दिन से ये कसम खा ली मुझे बार बार कैंडिडेट तुम यूपीएससी दे दो तो यूपीएससी की मेरी कहानी वहां स्टार्ट हुई थी जब मैंने यूपीएससी देखना शुरू किया लोगों से बात करना शुरू किया तो पहला इसकी अथाह सागर है अब मैं अब तक जो पढ़ाई किया संस्कृत के अलावा मोटा मोटी कुछ नहीं पढ़ाई किया था ये जो आपका जीएस वगैरह आता मैथ आता स्टैट्स आता कुछ देखा ही नहीं था मैंने धीरे तो धीरे देखना शुरू किया मुझे आज भी याद है जब पहली बार यूपीएससी का एग्जाम देने गया था मेंस का जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर मुझे करना था मैं गलती से अपना कैलकुलेटर लेकर नहीं जा पाया था दूसरे कैलकुलेटर लेके जब स्टैट, स्टैटिस्टिक्स का पेपर करने लगा मैथ उसका मेन्स का तो वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा था तो मैंने मैनुअल सारे एग्जाम दिए स्टैट्स के ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि ये कोई आप यदि किसी सब्जेक्ट को आपने अच्छी से पढ़ाई की है किसी भी बोर्ड से की हो किसी स्कूल से की हो यदि उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है ग्रैफ बहुत अच्छी है तो आप यूपीएससी के किसी भी पेपर को किसी भी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं एक्सेप्ट मैथ एंड साइंस वो भी एडवांस मैथ न एडवांस साइंस जो आपका बेसिक मैथ है बेसिक साइंस है वो भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं उसको पढ़ाई कर सकते हैं यूपीएससी में क्लियर कर सकते हैं जो मैंने किया मैं नेक्स्ट चैप्टर ये बताना चाहूंगा कि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के पांच इंटरव्यू फेस किए हैं कुल मिलाकर के डिफरेंट ईयर्स में वो ईयर स्टार्ट होते हैं 92 से लेकर के 90 सॉरी oh 91 से लेकर के 93 तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू जो वहाँ डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसोसलेक्शन के लिए था एम के दो पब्लिस सर्विस इंटरव्यू जो डिप्टी कलेक्टर पी के लिए था और प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था और यूपीएससी के दो इंटरव्यू यूपीएससी पी दो इंटरव्यू एक इंटरव्यू दोनों बार सिविल सर्विस के लिए मेरे पांचों में सिलेक्शन हुआ जब मेरा सिलेक्शन शुरू हुआ तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कहां ज्वाइन करना है कहां ज्वाइन नहीं करना है यूपीसी तैयारी में क्या करना है आपको यूपीसी तैयारी के तीन पार्ट हैं आप हम, आप, हम सब जानते है प्रिलिम्स है मेन्स हैं इंटरव्यू है तीनों की तैयारी के अलग अलग तरीके हैं प्रीलिम्स के लिए जीके है और <coughs> सीस्टाइट है उसमें आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर होने चाहिए आपको आ रहा है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप आराम से कर लीजिए जितना आपने प्रैक्टिस किया है जितने नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी उनके बेसिक बुक्स रिकमेंडेड हैं उनको कर सकते हैं रिकमेंडेशन कहीं से मिल जाएंगे उसको पढ़िए मेंस के लिए ज़्यादा जो जरूरी है कि आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है आप कितना अच्छा नोट्स बना लेते हैं टॉपिक की कितनी समझ है पिछले दस साल के क्वेश्चन उस टाकर देख लीजिए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके सब्जेक्ट में या जीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए उनको अपने सीनियर्स को दिखाते रहिए जरूरी हो तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं तो वहाँ भी मॉक आप टेस्ट देते रहिए आपको आइडिया लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं मैं एक बात और बताना चाहूँगा बहुत बार लोग पूछते हैं कि आखिर यूपीएससी वगैरह तैयारी कब तक करें कब कर तक अटैम्प्ट देते रहें मेरा कहना है इसका जवाब आपके पास स्वयं है जब आप मेन्स एग्जाम दे के आते हैं आप स्वयं रियलाइज कर चुके होते हैं यह एग्ज़ाम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और आपकी तैयारी उस एक्सपेक्टेशन के बराबर है या नहीं दो बातें हो सकती है या तो हो सकती है वो एग्ज़ाम जो आपसे एक्सपेक्ट करता है आप उसकी तैयारी करने में सक्षम ही नहीं है छोड़ दीजिए क्विट कर दीजिए या आपको लगे जो एक्सपेक्ट कर रहा है हम किसी किसी वजह से उसकी तैयारी नहीं कर पाए नेक्स्ट अटेम्प्ट लीजिए कई बार होता है कि हमारी तैयारी पूरी होती है हम सब्जेक्ट को जान रहे होते हैं लेकिन हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं सबकी सारी कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है आपकी सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी है आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसी तरह रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो ये डिसाइड आपको करना है ये डिसीजन आपको लेना है आपकी तरफ से कोई डिसीजन ये नहीं ले सकता कब आपने बेस्ट प्रिपेरेशन कर लिया बेस्ट तैयारी कर ली बेस्ट तैयारी होने के बाद नहीं हो रहा है तो देट्स सियर बैड लक नथिंग एल्स तीसरा स्टेज आता है इंटरव्यू इंटरव्यू के मैं केवल एक, एक ही कहना चाहूंगा और अपने पांचों इंटरव्यू के आधार पर कि अपना कूल मेंटेन कीजिए वो इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है सिर्फ तो इंटरव्यू नहीं करते तो हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं कहते हैं आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है आप किसी क्राइसिस में कैसे अपने को मेंटेन करते हैं अपने कूल को कैसे मेंटेन करते हैं उसका वो टेस्ट है बोर्ड ये देखना चाहता है बोर्ड में जितने मेंबरान बैठे रहते हैं उससे ज़्यादातर या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या बहुत बड़े एकेडमिशियंस होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये टेस्ट करते वो ये टेस्ट नहीं करते हैं कि आपका नॉलेज क्या है नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका होता है मेन्स में प्रिंस में वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि भविष्य में एज ए ब्यूरोक्रेट एज ए पुलिस ऑफिसर एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बड़ी बड़ी चुनौती को संभालेगा कैसे अपने क्राइसिस में अपने को संभाल के रखेगा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ईमानदारी जरूरत बढ़ती है हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके बाद जवाब आपको नहीं आता हो आप ईमानदारी से बता हताजी नहीं आता है उससे कुछ नहीं जाने वाला आपका ब्लफ मत कीजिए बोर्ड को ब्लफ मत कीजिए कभी ब्लफ मत कीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जिसके दोनों आंसर हो सकते हैं आप जो आंसर दे रहे हैं उसके रीजनिंग दीजिए उसको लॉजिक आपको पता रहना चाहिए उसको लॉजिक सामने आप रखिए बोर्ड खुश होगा बोर्ड ये नहीं कि चाहता है कि बोर्ड हमारे मन में जो हो आप आज रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कुछ लोग रूस को गलत ठहरा सकते हैं कुछ लोग यूक्रेन को गलत ठहरा सकते हैं लेकिन आप जिसको गलत ठहरा रहे हैं उसके पीछे आपके लॉजिक रीजनिंग होनी चाहिए ये है ये है इंटरव्यू का सवाल इंटरव्यू में आप कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं तो ये यूपीएससी की मैंने कैसे तैयारी की मेरा क्या बैकग्राउंड था आपको कैसे करना चाहिए आप कैसे कर सकते हैं आप कैसे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है एक बात जो बताना चाहूँगा मैं खास करके बड़ी बहुत बड़ी बातें आती है बहुत लोग कहते हैं कहा वाई यू पी एस सी मान वाई सिविल सर्विस मैं नाइन्टी फोर बैच का हूँ मैंने आपको बताया मेरी सर्विस करीब अट्ठाईस साल की हो चुकी है इस अट्ठाईस साल में मैंने पुलिस सर्विस के सारे क्रीम पोस्टिंग मैंने की है मैंने अभी बताया आपको भाई करीब सोलह महीने से पुलिस कमिश्नर लखनऊ इससे पहले भी सोलह सत्रह महीने में एस एस पी लखनऊ रह चुका हो मैंने सी बी आई की चार साल की पोस्टिंग की है डिप्यूटेशन पर बी एस एफ में रहा हूँ यूपी में करीब बारह तेरह जिलों में एस पी रह चुका हूँ मैं ये कहना चाहूँगा जो मैंने अपने अट्ठाईस साल के सर्विस में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पर कहना चाहूँगा आपको ये एक ऐसी सर्विस पे सी जिसमें आप सचमुच जनता का भला कर सकते हैं वी आर सिविल सर्वेंट्स जो आपके पास पावर है वो किसी के पास नहीं है आम जनता या बाहर बातचीत में ये कहा जाता है कि नहीं ब्यूरोक्रेट्स पावरलेस हैं। क्यों? असली पावर जैसो जो रूलिंग पार्टी उसके पास होती है एमएलए के पास होती है मिनिस्टर्स के पास होती है मंत्री के पास होती है नहीं यू आर रॉन्ग दे आर रॉन्ग इसलिए रॉन्ग है कि उनको पता नहीं है कि यदि आज उनकी सरकार बनी तो पांच साल भी चलेगी नहीं चलेगी और यदि पांच साल सरकार चल गई तो अगली बार रिपीट होगी कि नहीं होगी आप जिस दिन सर्विस में आते हैं उस दिन आपको पता रहता है कि जिस दिन आपकी साठ साल की उम्र पूरी होगी तब तक आपको उस सर्विस से कोई बाहर नहीं कर सकता आपको यह पता है नाइन्टी केसेस में आपकी जितनी सर्विस के पे हैं पर्क्स हैं प्रिवलेजेस हैं वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे वो कोई आपसे छीन नहीं सकता आपसे आपकी पार्टी आपकी सरकार आपके आका आपसे नाराज हो सकते हैं आपको इनसिग्निफिकेंट या पनिशमेंट पोस्टिंग दे सकते हैं लेकिन आपको सर्विस से बाहर नहीं कर सकते ये सर्विस आपको प्रेसिडेंट की तरफ से मिलती है अनलेस कि आपने बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती कर ली है बहुत बड़ा कोई अन्याय कर दिया है बहुत बड़ा अपराध कर दिया है आपको इस सर्विस से हटाया नहीं जा सकता तो जब आप तीस से पैंतीस साल सर्विस में रहते हैं आप जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं वो जो रूलिंग पार्टी है या जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ कराना चाहती है, तो आप ही के माध्यम से कराती है हम लोग कहते हैं वो लोग बहुत कुछ गलत कर लेते हैं किसके माध्यम से गलत करते हैं हमारे आपके ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही ना यदि उनकी गलती है तो उनकी गलती में हम बराबर के साझेदार हैं यदि आप सही करना चाहें तो आपसे कोई गलत नहीं करा सकता और आप इसके भ्रम में कभी मत रहिए कि आप सर्विस में आ गए और आपने उनके लाइन को टो नहीं किया तो आपके साथ बुरा हो सकता हो है कुछ समय के लिए बुरा हो ये तो सबके साथ होता है ये लाइफ का पार्ट है लाइफ में सुख दुख संघर्ष होता ही रहता चलता ही रहता है मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगा आप जो हमारे आज के दर्शक हैं श्रोता हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पूरे मनोयोग से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप ये ठान के चलें कि आप ये कर सकते हैं और करके दिखाएंगे केवल अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए समाज के लिए देश के लिए सबको सबके लिए आपको ये करना है देश की सेवा करनी है आपको आज जब आप देखते हैं कि कोई क्राइसिस आता है देश पर चाहे इंटरनल क्राइसिस हो या एक्सटर्नल क्राइसिस हो सब जगह ब्यूरोक्रेट्स की मांग है जो ब्यूरोक्रेसी जो ये है अभी इंडिया में है ऐसे किसी देश में नहीं है और ब्यूरोक्रेसी ने सारे सारे क्राइसिस को सारे सारे इंटरनेट uh, कॉन्फ्लिक्स को सबको मैनेज किया है सबको हैंडल किया है हम आप सब मिलकर हैंडल कर सकते हैं देश को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं इसलिए हम लोग आए साथ आए आगे बढ़ाए इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर और हां अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर